अधिकतर क्या हो रहा है कि ना सब ये सोचते हैं कि मैं तेज क्यों नहीं भाग पा रहा, तेज भागने में मेरी ऐसी क्या वजह हो रही है जिसकी वजह से मैं तेज नहीं भाग पा रहा। मैं वर्कआउट अच्छे से कर रहा हूँ, रनिंग में अच्छे से कर रहा हूँ, पर मैं तेज नहीं भाग पा रहा। पांच ऐसे पॉइंट, इनको फॉलो कर जाओ, 7 दिन में आपको 100% गारंटी के साथ रिजल्ट मिल जाएगा। और तेज भागने का सिर्फ यही तरीके होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हुई है तेज़ भागने के ऊपर, जिनमें मैंने एक्सरसाइज बताई हुई है, पर उनमें बच्चे बोलते हैं कि सर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। ऐसी चीज़ें बताओ इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो वही ऐसे 5 पॉइंट लेकर आया हूँ एक्सरसाइज के साथ साथ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देंगे। इस वीडियो में वो 5 पॉइंट क्लियर कर लेना। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वार्म अप और स्ट्रेचिंग। इसको इसके नाम से यहाँ पे वीडियो मत छोड़ देना, बहुत सोचेंगे कि वार्म अप और ये चीज़ें होंगी, नहीं, बहुत कुछ है आगे वीडियो में, बहुत कुछ है, बने रहो इस वीडियो में। वार्म अप और स्ट्रेचिंग ऐसी चीज़ें, लोग क्या करते हैं, सिर्फ आए ग्राउंड में, रनिंग करा, चले गए, उन्हें वार्म अप से मतलब नहीं है, उन्हें स्ट्रेचिंग से मतलब नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, वार्म अप और स्ट्रेचिंग दोनों अलग चीज़ें। वार्म अप से क्या फ़ायदा होगा, वार्म अप करने से हमारी बॉडी हीट होगी, हमारे 4-5 राउंड फ्री के होंगे, हमारी 4-5 राउंड मेहनत अलग से होगी, फ्री के मेहनत होगी, जिसमें हम ये सोचेंगे ये तो इजी है, बिल्कुल इजी रनिंग करना होता है। बॉडी हीट हो जाएगी, बॉडी खुल जाएगी, मसल खुल जाएगी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी। और हमारे इसी पॉइंट में क्या आता है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो मसल्स जो टाइट है, जिसकी वजह से आपके पैर खुल नहीं पाते, वो अच्छे से मूव कर पाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 7 दिन में आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी ABC ड्रिल्स। यहाँ पे ABC ड्रिल्स वर्क नहीं करते बच्चे, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ABC ड्रिल्स में 2-3 एक्सरसाइज बताऊँगा। सबसे पहले हमारी हाई नी, ठीक है, हाई नी करनी है। हाई नी करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, 90 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो यही। दूसरा चीज़, इसे परफॉर्म करते समय आपको कम से कम 30 मीटर तक इसे कंटिन्यू वर्क करना है। ऐसे नहीं कि भाई कभी 25 मीटर चले गए, कभी 40 मीटर चले गए, 30 मीटर तक आपको नॉन स्टॉप चलना है। और कोशिश करना आपकी पैरों के मूवमेंट फास्ट हो और छोटे छोटे कदम रखो, पर आए बॉडी के पास, मतलब चेस्ट तक आपके जो, मतलब पेट के पास जो पूरा 90 डिग्री का एंगल बने, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, सेम उसी तरीके से पोस्चर बनाना है। उसके बाद आपकी हाई नी के बाद आएगी एक और एक्सरसाइज के अंदर है, बैक किक, ठीक है। इसे बैक किक, इसे बट किक बोला जाता है वैसे, पर लेकिन हम इसे बैक किक बोलते हैं, जिसे सब समझ जाएं। तो बैक किक करते समय जब हम इसे परफॉर्म करते हैं, तो हमारे जो पैर बिल्कुल हिप पे लगते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम फास्ट भागेंगे, तेज़ भागेंगे, तो हमारी जो मूवमेंट आती है वो पूरी मोशन में आती है, हमारा हील जो है पूरा आगे से उठता है और फिर एक सर्कल बन जाता है। आप जब रनिंग करते हो, पूरी पैरों की मूवमेंट एक सर्कल के अकॉर्डिंग चलती है। तो अगर आपके पैर पीछे नहीं जा पाएंगे तो कैसे आप रनिंग कर पाओगे, आपकी यहीं पे अटकेगी और इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी। तो हमारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक किक करना, ठीक है। अब इसी में ही तीसरी एक्सरसाइज क्या है हमारी ABC के अंदर, आपको जो है स्क्वाट जंप करते हुए परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपके अंदर जंप की पावर आएगी। तीसरा क्या होगा, आप जब रनिंग करोगे पैर टेकते ही आपकी जो है एकदम मूवमेंट फास्ट होगी, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज मेन मैंने बताया ABC ड्रिल्स के ऊपर, मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस पर जाकर आराम से चेक कर सकते हो, डिटेल में हर एक्सरसाइज आपकी मिल जाएगी। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, डाइट और न्यूट्रिशन। यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, क्या करते हैं कि मेहनत तो कर लेते हैं, अब डाइट और न्यूट्रिशन को हल्के में ले जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, छोड़ो ना, हल्का फुल्का घर का खाना खा लो, डाइट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। गलत हो, डाइट और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं लोगे तो फास्ट कैसे भगोगे, हमारी मसल के जो मसल है, मसल हमारी जो टूटी है, उन्हें रिपेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो इसे रिपेयर करने के लिए मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ बस, और आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, डाइट और न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले कोशिश करो आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे वर्कआउट के बाद आपने प्रोटीन ले लिया, या आप चने वगैरह, जैसे चने से भी हमारी प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है, तो चने वगैरह आप ले सकते हो। कोशिश करो वीक में 1 या 2 टाइम तो पनीर खाने की, अगर आपके बजट अच्छा है तो आप डेली पनीर खा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 50 ग्राम पनीर बहुत ज़रूरी है, कोशिश करो पनीर खाने की। तीसरा चीज़ क्या है, रात को सोते समय दूध के साथ गुड़ का सेवन करो, थोड़ा ग्लूकोज मिलेगा बॉडी में, एनर्जी आएगी, ठीक है। सुबह उठते समय आप अंजीर का सेवन कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स के नाम पे ही आता है अंजीर। और वर्कआउट करने के बाद बादाम का दूध आप पी सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर। अब 4th पॉइंट यहाँ पे क्या है, हम जब परफॉर्म करते हैं ABC मतलब वर्कआउट कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, पर हमारा मेन क्या होता है, यहाँ पे डिसिप्लिन होता है, यहाँ पे वर्कआउट होता है। अब ये वर्कआउट आप करते नहीं, तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको वर्कआउट भी बता देता हूँ, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो, जो हमारा 4th पॉइंट है। स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे वर्कआउट के अंदर आएंगी 100 मीटर की, 400 मीटर की, 200 मीटर की, 600 मीटर की, 800 मीटर की, बस 800 मीटर से ऊपर नहीं। इनकी आपको रेपिटेशन लगानी पड़ेगी, अपना एक दिन सेट कर लो कि मैं सोमवार को, मंगल को, या जैसे भी है, वीक में 2 या 3 बार तो करो।
ये रेपिटेशन लगानी ही पड़ेगी, नहीं लगाओगे तो स्पीड कहाँ से आएगी, इनमें जोर नहीं लगा पाओगे, स्पीड कहाँ से आएगी। 100 मीटर अच्छे से मारो, 200 मीटर डिसाइड कर लो कि मेरे को भाई 200 मीटर की चार लगानी है या 600-200 मीटर की मिक्स करके दो दो तीन तीन करके लगानी है, जैसे भी आपको मिक्स करना है, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है, पर बाद में ऐसा मन हो जाएगा और ऐसी बॉडी की आदत पड़ जाएगी, आपको ईजी लगेगा वो सब, और इससे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब हम आ रहे हैं, हाँ चार पॉइंट क्लियर होता है, पर हाँ वर्कआउट में थोड़ी सी चीज़ और बता दूँ, एक और आपको एडवाइस दे देता हूँ वर्कआउट के अंदर। जब हम डेली वर्कआउट करते हैं, वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो है कोशिश करना है कि स्ट्राइड लगाएं। स्ट्राइड होती है 50-60 मीटर की स्ट्राइड लगानी, थोड़ी सी स्पीड में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो हमारा बॉडी पोस्चर और रनिंग शूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सोचते हो कि भाई शूज़ मत पहनो हो गया काम, ये बॉडी पोस्चर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चला लो हो गया काम, गलत। बॉडी पोस्चर बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में चलाना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो हमेशा ना रनिंग जब आप करोगे ना, आपकी जो पैरों की मूवमेंट है वो बिल्कुल इस तरीके से मूवमेंट निकलनी चाहिए। देखो मेरा इतना अच्छा बैलेंस बना हुआ है रनिंग के अंदर, अगर आप नॉर्मली खड़े खड़े इस तरीके से बैलेंस बना के आप रनिंग भी नहीं कर पा रहे, हल्का सा देखना कितना स्लो कर रहा हूँ, पूरा बैलेंस बना रखा है, अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये समझ लो आपका जो लोअर है, मतलब पैरों की जो क्षमता है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। इसके लिए आप ABC ड्रिल्स वगैरह इन चीज़ों पर काम करो। अब इसी चीज़ के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, आप सहारा ले सकते हो, जैसे इसका सहारा ले लिया, किसी का भी सहारा ले लिया, और डेली ऐसे स्ट्रेचिंग करो पूरा अच्छे से पैरों को, और एकदम स्पीड में निकालो पूरा पीछे से, ठीक है, ये आपकी पैरों की मूवमेंट जो है काफ़ी अच्छी करेगा। अभी आती है हैंड मूवमेंट के ऊपर बात। अब मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ऐसे ऐसे पूरा जंप करते हुए रनिंग करते हैं, बहुत गलत पोस्चर होता है, इससे आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही होती है, और साथ साथ क्या हो रहा होता है, आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होती रहती है। तो क्या करो, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको खड़े हो, मतलब जैसे हम एक जगह खड़े हो गए तो ड्रिल्स करनी है, एक जगह खड़े हो गए, बॉडी पोस्चर बना लिया और हैंड को रोक लिया। अब आपको क्या करना है, इसको एंकल को यहाँ पर रोक लेना, आपकी जो कोहनी है इसको यहाँ पर रोक लेना है, सिर्फ इसका इस तरीके से मूवमेंट करना है ये, ठीक है, सिर्फ इस तरीके से मूवमेंट करना है, और इसे ऐसे करते करते आपको फास्ट ले आना है। अब देखो मेरी रनिंग में इतनी पूरी बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही है, अब देखो मैं आपको फास्ट करके दिखाता हूँ, और ये आप करके देख लेना, आप पे नहीं होगा अगर आप फास्ट नहीं बक पा रहे, तो ये आपकी कमजोरी है। तो इस चीज़ को ट्राई करके देखो, 100% आपका रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है शूज़ की, शूज़ में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, शूज़ सोचते हैं कि भाई कैसा भी शूज़ ले लो काम चलेगा, मत पहनो काम चलेगा, नहीं। शूज़ में सबसे पहली बात, शूज़ फिटिंग का होना चाहिए, ना ज़्यादा खुला हो ना ज़्यादा टाइट हो, ठीक होना चाहिए। दूसरा, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, जो हमारी सोल होती है, जैसे हमारी ये सोल है, ये जो सोल है ये पूरा दबना चाहिए, ये नहीं कि ये इतना टाइट है दब भी नहीं रहा, हाथ लगाने वक्त दब नहीं रहा, ये थोड़ा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। चौथा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ये एंकल आता है यहाँ से और ये अपर, ठीक है, ये टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, कपड़े के होने चाहिए, और कोशिश करें नेट वाले शूज लें, जैसे नेट वाला शूज है। अब नेट वाला शूज़ क्यों लेना होता है, क्योंकि बॉडी में जब हम रनिंग करते हैं तो बॉडी बहुत हीट मारती है, तो जिसकी हवा की वजह से जो हमारे शूज़ में से जो गर्म एयर है वो अब बाहर निकल सके, ठंडी हवा अंदर आ सके। अगर गर्म रहेंगे शूज़ और नेट वाले नहीं होंगे, सिंपल कपड़े वाले होंगे, तो बहुत हीट मारेंगे, दिक्कत दे सकता है। बस ये पांच पॉइंट क्लियर कर लो, आपकी रनिंग की स्पीड 100% बढ़ जाएगी गारंटी के साथ, और इनके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी रनिंग की स्पीड बढ़ा सके, सिर्फ ये पांच पॉइंट, और इन पांच पॉइंट को क्लियर कर दिया, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल पर स्पोर्ट्स फिटनेस आर्मी से जुड़ी वीडियोज आती रहती हैं, लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।